देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में किसान के एक नया अपडेट आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सभी किसानों के अपडेट नहीं दिखा रहा है। जो किसान पीएम किसान योजना की पिछली जो 27 फरवरी को किस्त जारी हुई थी उससे वंचित थे, उन सभी किसानों के स्टेटस में ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पीएम किसान के पोर्टल पर, आप जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो डालकर आप अपना स्टेटस ओपन कर लीजिएगा। तो फिलहाल किसान का मैं 2 दिन पहले का स्टेटस आपको दिखाता हूँ और अब ताज़ा स्टेटस भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का स्टेटस, एलिजिबिलिटी, पेमेंट मोड, पीएफएमएस बैंक, लैंड सीडिंग, अकाउंट नंबर 6/6/2022 का उनका पीएफएमएस बैंक रिस्पॉन्स डेट दिखा रहा है और यहाँ पर खाली स्टेटस दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और इनका लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो नो दिखा रहा है। पीएफएमएस बैंक 6/6/2022 को इनका एक्सेप्ट हुआ है और एलिजिबिलिटी, पेमेंट मोड सब कुछ सही है, लेकिन इनका स्टेटस ब्लैंक दिखा रहा है। 2022/6/6 से इनका पीएफएमएस एक्सेप्ट हुआ है और इनकी समस्या है लैंड सेडिंग। लैंड सेडिंग नो होने की वजह से इनका स्टेटस खाली है। चलिए अब हम आपको आपको ताज़ा और लाइव स्टेटस दिखाते हैं अभी इस फॉर्म की क्या स्थिति है। तो अभी हम स्टेटस ओपन कर चुके हैं। पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है, पीएफएमएस बैंक 6/6/2022 को एक्सेप्ट हुआ था, लैंड सेडिंग यस हुआ और यस होता ही आप देख लीजिए पेमेंट प्रोसेस्ड आ चुका है पहले किस्त की जगह, और इनका सीधा ये पेमेंट प्रोसेस्ड का अपडेट है वो आया है। और आपको देख सकते हैं लैंड सेडिंग इनका पहले नो था, जैसे इन्होंने लैंड सेडिंग यस करवाया तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इनका कुछ ही दिनों में यहाँ पर आप देख लीजिए पेमेंट प्रोसेस्ड का अपडेट आ चुका है और इनके 2000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद अगली किस्त का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद अगली किस्त का प्रोसेस शुरू होगा, इनको आगे का पैसा सभी जो किस्तें मिलनी है वो मिलेगी। आप खुद अपना प्रूफ देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 6/6/2022 रिस्पॉन्स डेट था, लैंड सेडिंग नो था तो स्टेटस खाली था। अब जैसे लैंड सेडिंग यस हुआ तो तुरंत इनका पहली किस्त में अपडेट आ चुका है और इनके बैंक खाते में 2000 रुपये बहुत ही जल्द ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पीएम किसान योजना के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको सुधार करवाना होगा। सुधार करवाने के लिए आप पीएफएमएस बैंक, लैंड सीडिंग और पेमेंट मोड, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना होगा। आपका बैंक पीएम किसान योजना में मान्य होना चाहिए, लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, तभी जाकर आपका पीएम किसान योजना का अपडेट आएगा, यानी स्टेटस में अपडेट आते ही आपका किस्त जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि भी पेमेंट प्रोसेस आया है तो इसका मतलब है कि किसान के बैंक खाते में लगभग पैसे आ चुके हैं, या तो 2-4 दिन में आ जाएंगे या फिर कुछ ही दिनों में, थोड़ा समय भी लग सकता है, 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं, या फिर आ चुके होंगे। इसी तरह से अपडेट आते ही आपको पता चल जाता है कि हमारा पेमेंट हमारे बैंक खाते में बहुत ही जल्द आने वाला है। इसी प्रकार की अपडेट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।